नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासरूम वीडियो लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए एक्सेल में एक महत्वपूर्ण फंक्शन वीलुकअप। वीलुकअप के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लुकअप फंक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम आपको वीलुकअप फंक्शन का क्या उपयोग है, किस तरह से यूज किया जाता है, ये हम बताएंगे। यदि आपको आपकी एक्सेल के डाटाबेस में से यदि कॉलम वाइज कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप वी लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, वी का मतलब होता है वर्टिकली। वर्टिकली यदि कोई इंफॉर्मेशन आपको अपने डाटाबेस में एक्सेस करनी है तो आप वी लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। और लुकअप फंक्शन का यूज किस क्यों किया जाता है, क्योंकि लुकअप फंक्शन आपको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से डाटा एक्सेस करके देता है, लेकिन वी लुकअप फंक्शन केवल वर्टिकली डाटा एक्सेस करता है। तो फिर वी लुकअप फंक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए दोस्तों, वी लुकअप फंक्शन में आपको आपके एक्सेल का डाटाबेस शॉर्ट करने की जरूरत नहीं होती, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या शॉर्ट हो ही नहीं फिर भी आप वी लुकअप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन लुकअप फंक्शन में आपका का जो डाटाबेस है वो शॉर्टेड कंडीशन में होना चाहिए, तभी वो काम करता है। इसलिए वी लुकअप फंक्शन का यूज किया जाता है। और ये किस तरह से लगाया जाता है ये चलिए देखते हैं। वी लुकअप फंक्शन लगाने के लिए सबसे पहले सपोज हमें हमारी जो एम्प्लॉय आईडी है 1001 एम्प्लॉय आईडी का हमें के लिए वी लुकअप लगाना है। सबसे पहले तो चलिए लगाते हैं इज इक्वल्स टू वी एल डबल ओ, जिसे हम टाइप करेंगे वी लुकअप आ जाएगा। डबल क्लिक करते हैं तो इसका एक्सटेंशन यहाँ पे शो हो जाता है। सबसे पहले लुकअप वैल्यू एक्सटेंशन 6 में लगभग वी लुकअप में लुकअप वैल्यू पे क्लिक कर देते हैं। कॉमा लगाते हैं टेबल एरे, टेबल एरे हमारी जो शीट 2 में है ये पूरी टेबल हम सेलेक्ट करेंगे। टेबल सेलेक्ट करने का तरीका है, सबसे पहली सेल पे क्लिक करें और सबसे लास्ट वाली सेल पर शिफ्ट के साथ क्लिक करें, ये आपकी टेबल पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। देन टेबल अरे सेलेक्ट हो चुकी है, लगाएं कॉलम इंडेक्स नंबर। इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जाता है कि कौन से कॉलम से आपको डाटा एक्सेस करना है। तो हमारा टेबल ये पूरी हमने पूरी टेबल सेलेक्ट नहीं की है, केवल एम्प्लॉय आई डी से लेकर एड्रेस तक हमने सेलेक्ट किया है। तो हमारा कॉलम चालू होगा एम्प्लॉय आई डी से, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है हमारी टेबल में और हमें दूसरे नंबर के कॉलम से इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो कॉलम का हमें पूरा सिलेक्ट नहीं करना है, केवल इंडेक्स नंबर डालना है। तो कॉलम का इंडेक्स नंबर है 2 नंबर का, तो यहाँ पे 2 नंबर डाल देंगे। देन कॉमा लगा देंगे और रेंज लुकअप यहाँ पे ट्रू या फॉल्स, दो कंडीशन पूछ रहा है वो। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। ट्रू कब डालते हैं, जबकि आपका डाटा शॉर्टेड हो, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टेड हो। लेकिन यदि फॉल्स कब डालते हैं, जब आपका डाटा शॉर्टेड ना हो। तो हम यहाँ पर 0 डाल देते हैं, यदि हम कुछ भी नहीं डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट 1 वो ले लेता है। ब्रैकेट क्लोज, आपका ये फंक्शन लग चुका है। और जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ पर आपके रिजल्ट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर कुछ इरर आ रही है, देखते हैं क्या इरर है। कुछ इरर आ गई है, देखते हैं क्या इरर है। क्लिक करके देखते हैं इस पर, वी लुकअप वेब 2 शीट 2 बी 2। अच्छा, यहाँ पर हमने जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो गलत दे दिया था, इंडेक्स नंबर हमारा 3 है। और इंटर कर दें, यहाँ पर हमारा सही जो डाटा है वो एक्सेस हो जाएगा। 101 जो एम्प्लॉय है अजय दीवान, देखते हैं नाम है कि नहीं, 1001 अजय दीवान है। तो इस तरह से हम वी लुकअप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो आइए अब एज के लिए हम लगा के देखते हैं वी लुकअप फंक्शन इक्वल टू वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू 1001 के लिए ले रहे हैं, कॉमा टेबल एरे हम इसी तरह से सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय आईडी, देन शिफ्ट के साथ लास्ट, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर है हमारा, हमें एज लेना है। तो कॉलम कौन सा है, 1 2 3 4, 4 नंबर का कॉलम है हमारा, 4 टाइप किया, कॉमा ट्रू या फॉल्स, ट्रू 0, फॉल्स के लिए 0, ट्रू के लिए 1, 0 हम टाइप कर देते क्योंकि हमारा डाटा असेंडिंग ऑर्डर अभी सॉर्टेड नहीं है। ब्रैकेट और इंटर, एज आ चुकी है अजय दीवान की, चेक कर लेते हैं।
अब यहाँ पे मान लो अजय दीवान, एम्प्लॉय आईडी हम चेंज करते हैं 1005, जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने किया था, एम्प्लॉय आईडी चेंज करेंगे तो नाम के साथ एज भी चेंज हो जाएगी, आपको डबल से वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप जेंडर, मोबाइल और एड्रेस के लिए भी लगा सकते हैं वी लुकअप। चलिए हम लगा के देखते हैं। देखिए दोस्तों, सभी फील्ड्स के लिए हमने वी लुकअप फंक्शन लगा दिया है, और जैसे ही अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी में चेंज करता हूँ, जैसे 1016 नाम एम्प्लॉय का हमें डिटेल देखना है, तो जैसे ही एम्प्लॉय आईडी चेक डाला मैंने, सबका डिटेल मेरे सामने मेरे स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त हो चुका है। इससे ये फायदा होता है कि आप कि कोई फॉर्म है और एम्प्लॉय आईडी है, आप एम्प्लॉय का डाटाबेस चेक करना चाहते हैं कि एम्प्लॉय का टारगेट क्या है, किस तरह का उसका परफॉर्मेंस है, तो मैनेजर के लिए काफ़ी आसान हो जाता है, केवल एम्प्लॉय आईडी डाल के ही वो उसकी पूरी डिटेल अपनी एक्सेल शीट में देख सकता है। तो ये फायदा होता है वी लुकअप का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।